वैका क्लस्टरिंग हाउ डू वी डू क्लस्टरिंग इन वैका अब क्लस्टरिंग जो है इट्स सेल्फ हम इसको काफ़ी दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लस्टरिंग क्या होती है और इसकी क्या अहमियत है लेकिन आइए इसको वैका के कॉन्टेक्स में डिस्कस करते हैं अब हमारे पास है क्या कि वैका की जब हम बात करें तो इसमें एक टैब है जिसको कहते हैं क्लस्टर्स और ये क्लस्टर्स करते क्या है हमें ये हेल्प आउट करते हैं फॉर फाइंडिंग ग्रुप्स ऑफ सिमिलर इंस्टेंसिस इन अ डाटा सेट यानी कि ऐसे इंस्टेंसिस जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए ये वैका के क्लस्टर्स मौजूद हैं और इनकी इंप्लीमेंटेड स्कीम्स कौन सी हैं के मीन्स एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन कॉप वेब एक्स मीन्स फार फर्स्ट और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि और कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको वैका के एक्सप्लोर में जाना पड़ेगा और वहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सी क्लस्टर्स की स्कीम या टेक्निक्स मौजूद हैं अच्छा आप क्लस्टर्स में होता क्या क्लस्टर्स कैन बी विलाइज एंड कम्पेयर टू ट्रू क्लस्टर्स इसका क्या मतलब है कि आप कोई डेटा लें और उसके ख़ुद एक्सपर्ट बेस्ड नॉलेज पे या खुद अपने नॉलेज से उसके ट्रू क्लस्टर्स बनाएँ और फिर देखेंगे क्या वैका भी वही क्लस्टर्स बना रहा है तो ये सेम सिमिलर वही प्रॉब्लम हो जाएगा जो हमने अभी डिफ़ाइन किया था ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के लिए लेकिन उस वक्त हमने क्या कहा था वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और अब हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपने क्या करना है कि डेट वैका को यूज़ करते हुए क्लस्टर्स बनाने और फिर देखना है कि क्या वो कम्पेरेबल हैं टू द ट्रू क्लस्टर्स अच्छा और रिवेलेशन कैसे होगी वो होगी बेस्ड ऑन लॉग लाइटलीहुड इफ़ क्लस्टरिंग स्कीम प्रोड्यूस अ प्रबल्टी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा अब यहाँ पर हमने एक सिंपल दोबारा केम इन क्लस्टिंग का मैथड दिया है जो पहले भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो केम इन क्लस्टरिंग का एलग्रिदम है ये वैका लाइब्रेरी में कैसे परफॉर्म करता है लेकिन मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन करता हूँ आपको याद भी होगा कि वैका जब भी केम इन क्लस्टर एलग्रदम की हम बात करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स थे हमारे पास आप आंसर दे सकते हैं आई थिंक यू आर राइट के इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स को के नॉन एम सबसेट्स में डिवाइड करेंगे उसके बाद हम सीड पॉइंट बनाएंगे सीड पॉइंट क्या होगा हमारे पास जिसको मीन पॉइंट भी कह सकते हैं सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं सेंटर पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास जो क्लस्टर है उसका मिडल पॉइंट है जिसके साथ हमने बाकी सबको मैयर करना है कि कौन कौन से डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास पॉइंट्स मौजूद हैं अच्छा उसके बाद हमारे पास एक और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि हमने जो ऑब्जेक्ट को असाइन करना है वो उस क्लस्टर से असाइन करना है जो उसके नियरेस्ट है इसे मुराद क्या है कि आपने क्या किया ऑब्जेक्ट्स को लिया के क्लस्टर्स बनाए के क्लस्टर्स के अंदर मेन पॉइंट फाइंड आउट किए और उसके बाद आपने क्या किया जो करीब करीब पॉइंट हैं उन सब के अंदर उन क्लस्टर्स को डालते गए अच्छा अब क्या फाइनल चीज़ क्या है कि ये जो पैरामीटर है या ये जो प्रोसीजर है या ये के मीन क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम है ये क्या है ये एक आट्रेटिव एल्गोरिथम है जिसके अंदर आप क्या करते हो कि जो फर्स्ट थ्री स्टेप्स हैं वो किए है, और उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप वापस स्टेप टू पे चले गए और तब तक करते रहे जब तक आपके पास नए सेंट्रॉइड बनते रहते हैं नए मेन पॉइंट आते रहते हैं या नए क्लस्टर की बाउंड्रीज डिफ़ाइन